सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बजट लैपटॉप्स जो चालू होते हैं 20,000 से। तो हम लोग ये वीडियो में 20,000 से लेके 50,000 60,000 तक सारे बजट लैपटॉप्स देखने वाले हैं। तो अभी मैं आया हूँ कार्तिक लैपटॉप वर्ल्ड में, और कार्तिक लैपटॉप वर्ल्ड में मैं आपको दिखाऊंगा कि बजट लैपटॉप्स के क्या अभी प्राइजेस चालू है। ओके तो गोविंद सर, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में गेमिंग लैपटॉप्स कवर कर दिए थे, तो अभी देखते हैं बजट लैपटॉप्स में आपके पास क्या क्या वैरायटीज है। आपने इतने सारे बजट लैपटॉप्स जो भी अभी सब लेटेस्ट जनरेशन वाले आपने WPCS अरेंज कर दिए हैं। करेक्ट, जो आज के टाइम में सब 11 जनरेशन और 10 जनरेशन का जमाना चल रहा है, तो हमने जो भी रखे हैं सब 11th और 10 जनरेशन रखे हैं। और जो भी AMD में लैपटॉप है वो भी लेटेस्ट वर्जन है, जो कि 4th और 5th और 3rd जनरेशन चल रहा है, सब ये एंट्री लेवल है। और जो हमने कल शूट किया था उसमें सब गेमिंग लैपटॉप थे भैया। ओके, तो अभी चालू करते हैं, जो सबसे सस्ता लैपटॉप है आपके शॉप पे वो कितने तक आता है? देखिए भैया, अपने पास स्टार्टिंग में तो अगर नॉर्मल ब्रांड में गिनने जाओगे तो अगर जो अपना RDP और जो अविटा करके आता है उसमें आपको 18-20 के अंडर में मिल जाए, परंतु एक लेनोवो डेल HP जो कि अच्छा ब्रांड गिना जाता है, अगर उसमें हम पकड़ने जाएंगे तो स्टार्टिंग अपने पास भैया 22 से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो स्टार्टिंग हो रहा है भैया वो अपना इसमें मिल रहा है AMD का प्रोसेसर होता है इसमें, जो कि इसमें आपको प्रोसेसर मॉडल है, लैपटॉप मॉडल नंबर है वो V15 है, और इसमें आपको मिलने वाली है 4GB रैम, और इसमें 1TB का हार्ड ड्राइव है, और 15.6 का फुल HD डिस्प्ले, जो कि आजकल जमाना फुल HD का ही चल रहा है, और इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है भैया विंडोज 10। Okay. और जो इसकी भैया प्राइसिंग रहने वाली है वो अराउंड 22,000 रहेगा भैया। तो भैया अभी हम मैक्स चल रहे हैं अपना डेल ब्रांड पे, तो डेल में आपको स्टार्टिंग में मिलने वाला भैया 26,000 में। इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलेगी वो AMD का प्रोसेसर है, और 2GB AMD Radeon का 2GB ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा है, और इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है भैया AMD का एथलॉन, जो कि 3050 प्रोसेसर है, जो कि अच्छी खासी स्पीड में चलता है, और इसमें आपको 4GB का रैम और एडवांटेज है, उसके अंदर आपको 256GB का SSD है, और इसमें अगर आप फ्यूचर में चाहते हो तो हार्ड ड्राइव ऐड कर सकती हो। उस पर जो इसका कॉस्ट पड़ने वाला भैया 26,000, और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनल मिलने वाला भैया। और फिर हम ले चलते हैं भैया सीधा जो कि प्रोसेसर गिना जाता है, तो कि i3 के बराबर में जो AMD में गिना जाता है उसमें आपको Ryzen 3 प्रोसेसर मिलने वाला है भैया। एक्चुअली इसमें आपको जो प्रोसेसर रहेगा वो Ryzen 3 और 4GB का रैम है, और इसमें आपको 1TB का हार्ड ड्राइव है, और 15.6 का जो है कि डिस्प्ले साइज है वो भी फुल HD के साथ है, और विंडोज 10 के साथ है। ये भैया आपको जो कि सिल्वर कलर में अवेलेबल है। इसमें आपको टोटल भैया दो वेरिएंट आता है, एक वेरिएंट रहता है उसमें आपको 4GB रैम, 1TB हार्ड ड्राइव और विंडोज 10 है, और जो नेक्स्ट वेरिएंट है उसमें 8GB, और इससे भी जो नेक्स्ट वेरिएंट है उसमें प्लस आपको 256GB SSD है, जो कि आपको भैया ये स्टार्टिंग मॉडल है वो 35,000 का है, उसे जो नेक्स्ट मॉडल आता है उसमें भैया आपको 40,000 का पड़ेगा, प्लस उसमें क्या है कि आपको 256GB SSD प्लस 1TB हार्ड ड्राइव और Ryzen 3 के साथ आपको भैया वो 40,000 का कॉस्ट पड़ने वाला है। ओके, अब भैया है ये HP का लैपटॉप जो कि बिल्कुल लाइट वेट भी है, बहुत लाइट वेट है, अराउंड इसका जो वेट रहेगा वो 1.4 kg है, और इसका जो भैया प्रोसेसर है उसमें आपको Pentium सिल्वर प्रोसेसर मिलने वाला है, और इसमें आपको भैया है वो 4GB रैम और 512GB SSD, जो कि अच्छी खासी स्टोरेज भी SSD गिनी जाती है, और 14-inch का डिस्प्ले है, और विंडोज 10 के साथ है, और भैया वो भी डिस्प्ले है वो भी फुल HD के साथ है, और जो इसका कॉस्ट पड़ने वाला भैया वो 27,500 करेक्ट, वो भी HP का Pentium प्रोसेसर, मतलब जो कि अच्छा खासा सिल्वर एडिशन में गिना जाता है, स्टूडेंट और ऑफिस नॉर्मल के लिए तो बहुत अच्छा लैपटॉप है। अभी हम आगे है लेनोवो पे, जो कि लेनोवो में आपको इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो भैया Ryzen 3 का है, और इसमें आपको 4GB का रैम है और 8GB दोनों वेरिएंट मिलता है, इसमें 8GB का रैम है, 1TB का हार्ड ड्राइव है, और 15.6 का डिस्प्ले, और SSD स्लॉट इसके अंदर आप चाहिए तो फ्यूचर में SSD भी अपडेट कर सकती हो, और विंडोज 10 के साथ है। इसमें आपको खाली 256 SSD वाला भी वेरिएंट मिलेगा, और खाली 1TB हार्ड ड्राइव वाला भी मिलेगा, जो कि भैया इसका कॉस्ट पड़ने वाला है वो भैया 33,000। भैया हम आगे है एक अच्छी खासी ब्रांड में गिना जाने वाला है जो लैपटॉप है वो है अपना डेल का लैपटॉप, जो कि अपने को जो प्रोसेसर मिल रहा है वो i3 10 जनरेशन है, इसमें आपको 4GB रैम मिल रही है, और अपना 1TB का हार्ड ड्राइव मिल रहा है, और इसमें आपको एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम DOS के साथ भी आता है और विंडोज 10 के भी साथ आता है, जो कि ऑफिस यूज में जो लैटिट्यूड सीरीज चलने वाला है ये लैपटॉप है भैया। ये जो कि अपने वो अच्छा खासा लैपटॉप i3 में 10 जनरेशन अगर गिना जाएगा 40K के अंदर, तो इसका जो प्राइसिंग रहने वाला है भैया वो 35,000 के आता है, और इसमें आपको एक जो है वो एक और विंडोज वाला आता है वो 41,000 का है, जो DOS वर्जन है वो 35,000 का रहने वाला है। ओके, और इसमें एक और खास बात है कि इसमें आपको एक्सीडेंटल डैमेज वारंटी मिलती है, जो कि लैटिट्यूड सीरीज में खास करके एक इंपॉर्टेंट बात रहती है। नेक्स्ट भैया हम आ जाते हैं अपना जो कि HP का लैपटॉप है, बिल्कुल शानदार लुक जैसा लैपटॉप दिख रहा है, जो कि HP में सिल्वर कलर है, जो कि इसमें आपको भैया मिलने वाला है वो i3 11th जनरेशन, जो कि आज के टाइम में बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर चल रहा है, और इसमें आपको भैया 8GB रैम
और 512 GB SSD के साथ मिलने वाला और 15.6 फुल HD जो कि आज के टाइम में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, जो कि i3 स्टूडेंट यूज के लिए, जो भी कोडिंग वोडिंग ऑफिस यूज के लिए अगर लैपटॉप ये यूज हो रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस भी है इसका, क्योंकि इसमें आपको मैन इंपोर्टेड है कि रैम 8 GB और SSD 512, मतलब इसमें दोनों अपना काम बन जाता है और विंडोज 10 ओरिजिनल मिल जाता है और इसको बॉक्स पीस के अंदर इंक्लूडिंग ऑफिस मिल जाता है। ये एक मैन इंपोर्टेड है कि अगर सॉफ्टवेयर अलग से बाय करने जाते हो तो महंगा पड़ता है, और कंपनी वाले फ्री में साथ में दे रहे हैं वो है मैन इंपोर्टेंट ऑफिस, तो वो भी साथ में मिल रहा है। इसका भी अपने को जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 42,500 में आपको एक अच्छा लैपटॉप मिल गया। हमने जो पहले वाला दिखाया था उसमें भैया सिल्वर कलर था, इसमें है आपको ब्लैक कलर, ये सेम है। इसमें आपको खाली क्या है कि इसमें जो मिल रहा है विद हार्ड ड्राइव के साथ है। एक्चुअली इसमें क्या है कि 8 GB का रैम है और 1000 GB का हार्ड ड्राइव है, अगर आप फ्यूचर में चाहते हो तो इसमें SSD ऐड कर सकती हो। उसमें हमें 15.6 का डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी फुल HD के साथ, और विंडोज 10 ऑपरेटिंग ओरिजिनल लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है। और इसमें भैया आपको जो भी कॉस्ट पड़ने वाला है अराउंड भैया पड़ेगा 38,000 के साथ, वो भी 11th i3 लेटेस्ट वर्जन, और इसमें आपको ऑफिस भी साथ में इंक्लूड है, फ्री मिलेगा भैया। तो अभी हम सर जा रहे हैं अपना HP का पवेलियन लैपटॉप, जो कि बिल्कुल एकदम स्लिम लैपटॉप है, जो कि बहुत ही लाइट वेट, जो कि बुक तरह का लैपटॉप है ये। और इसमें भी आपको जो मिलने वाला है i5 11th generation, वो जो कि आज के टाइम में लेटेस्ट वर्जन प्रोसेसर है। उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि भैया इसमें 16 GB रैम के साथ कंपनी वाला दे रहा है, प्लस इसमें आपको 512 GB का SSD है और 14-inch का डिस्प्ले है और विंडोज 10 और इंक्लूड ऑफ द ऑफिस है। और इसमें आपको क्या है कि एक खास बात क्या है कि बहुत ही स्लिम लैपटॉप, मतलब आप एकदम इजीली इसको कैरी कर सकते हो। और इसकी आपको जो वारंटी रहने वाली है भैया, 1 साल कंप्लीटली वारंटी रहने वाली। अगर बाय चांस आपको और वारंटी बढ़ाना है तो आपको अगर हर एक ब्रांड की अगर वेबसाइट पे जाके आप एक्स्ट्रा बाय करके वारंटी सब में प्लस 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। ये एक हर एक लैपटॉप है, जो भी हर एक लैपटॉप है, Asus है, Dell है, HP है, Lenovo, वो है सब ऑफलाइन नहीं होता, सब ऑनलाइन होता है। आपको जो कि Lenovo की या Dell HP की वेबसाइट से आपको बाय करनी होती है। प्राइसिंग जो इसका भैया है वो अभी हाल फिलहाल तो ऑनलाइन का कुछ 68 चल रहा है, तो अपना स्पेशली ऑफर के साथ आपको भैया हम दिला देंगे आपको 59,000 में, जो कि मिनिमम आपको 8,000 से 9,000 10,000 डिस्काउंट गिना जाता है। जो भैया हमने पहले वाला लैपटॉप दिखाया था वो पवेलियन सीरीज था, ये लैपटॉप है वो की नोटबुक सीरीज में है, ताकि एक पवेलियन क्या है कि थोड़ा कॉस्टली रहता है, उससे जो लोअर मॉडल रहता है वो नोटबुक सीरीज में आता है। उसमें आपको भैया मिलने वाला है i5 11th generation, इसमें आपको भैया रैम है वो 8 GB की रैम है, और इसमें आपको भी सेम 512 GB का SSD, आज का जो जमाना चल रहा है वो सब SSD का जमाना चल रहा है, और 512 की SSD है कहा था कि आपको SSD आते हैं। लैपटॉप एक मैन इंपॉर्टेंट है कि लाइट वेट भी बन जाता है और लैपटॉप स्लिम भी बन जाता है, प्लस में आपको भैया 14-inch का डिस्प्ले साइज है और विंडोज 10 का है, और इसमें आपको इंटेल का जो कि नया ग्राफिक कार्ड है आयरिक्स का वो भी इंक्लूडेड है, और विंडोज 10 का है। जो भी इसका कॉस्ट अपना रहने वाला है भैया 54,000, जो कि ऑनलाइन में 60 का चल रहा है, और इसे एक और भी कम में मॉडल आता है जो कि एक और है 2535 करके, उसका कॉस्ट भी अराउंड 51,000 का है, परंतु ये 2016 करके मॉडल है, इसका जो प्राइसिंग है वो भी 54 से 55 का है। अभी भैया जो भी हम लैपटॉप चल रहे हैं सब 11 जनरेशन में चल रहा है, तो ये भी एक लेनोवो का लैपटॉप है जो कि आइडियापैड स्लिम 3 के साथ है 11 जनरेशन के साथ। तो इसमें भी वही सेम बात है, जो कि इसमें i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर है और 8 GB का रैम है और 1 TB का हार्ड ड्राइव प्लस 256 भी आता है, प्लस इसमें आपको 8 GB रैम और 512 SSD दोनों वेरिएंट आता है। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 15.6 फुल HD का डिस्प्ले है और इंटेल का अपना आयरिक्स ग्राफिक कार्ड है और विंडोज 10 है, जो कि भैया देखिए इसका कॉस्ट पड़ने वाला है अपना 52,000। अभी भैया एक शानदार सा लैपटॉप लेके आ गए हैं, HP का है अपना लैपटॉप कम टैबलेट, जो कि टच स्क्रीन लैपटॉप, बिल्कुल लाइट वेट, बिल्कुल स्लिम टच स्क्रीन और बिल्कुल अच्छा चलने वाला i3 का है 11th generation। इसमें आपको भैया 8 GB रैम तो आएगी, प्लस इसमें दो वेरिएंट आता है, एक 256 GB SSD के साथ भी आता है और अपना 512 के भी साथ आता है, और डिस्प्ले साइज है वो 13.3 फुल HD 14-inch गिनी जाती है, और विंडोज 10 का लैपटॉप है। इसमें भी अगर 256 के साथ लेते हैं तो 47 का है और 512 के साथ लेते हैं तो 49 का है। ये है डेल का जो कि टच स्क्रीन लैपटॉप है, पहले आपने दिखाया था वो अपना HP का था, ये डेल का है, सेम टच स्क्रीन है भैया। इसमें आपको i3 है वो 10th जनरेशन और 11th दोनों अवेलेबल है, ये अपना डेमो है वो 10th का है। इसमें भी आपको मिलने वाला है i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर, और इसमें भी है वो 8 GB की रैम है और 256 GB SSD के साथ भी अवेलेबल है और 512 के साथ भी अवेलेबल है, और इसका भैया डिस्प्ले साइज है वो 13.3 रहने वाला है, वो भी फुल HD के साथ, और विंडोज 10 का है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलने वाला है भैया, जो कि इसमें आपको दो आउटपुट आप कनेक्ट कर सकते हो एक ही साथ में, जो कि HDMI है और टाइप सी दोनों एक साथ काम कर सकते हो। और ये भैया डेल का जो कॉस्ट पड़ने वाला जो 11
सेकंड जनरेशन का कॉस्ट है वो अराउंड भैया 46,000 का है, जो कि इसमें आपको एक और 512 के साथ जो वेरिएंट आता है उसका भी कॉस्ट पड़ने वाला है 48,500 के साथ। तो अभी आ जाते हैं हम भैया, जो कि ये सब हमने लैपटॉप दिखाए थे वो डेमो यूनिट्स के। तो अभी तो एक्चुअली क्या है कि बॉक्स पीस भी अवेलेबल रहते हैं, तो ताकि एक डेमो दिखाने से पता चलता है कि किस तरह का लुक रहते। तो हमारे पास ऑल बॉक्स सील पैक अवेलेबल रहेंगे, वो भी एनी टाइम, कभी भी आप स्टॉक के लिए कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, प्राइस का इंक्वायरी निकाल सकते हो। और भैया तो देखिए अपने पास जो भी एक्चुअली 4-5 हमने मॉडल सेलेक्ट करके लाए हैं, नॉर्मली एक बेसिक बॉक्स पीसेस के साथ दिखाते हैं, जो कि आपको ये डेल का लैपटॉप, लेनोवो का लैपटॉप है। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो भैया AMD का प्रोसेसर है, जिसमें आपको 4GB की रैम है और 1TB की हार्ड ड्राइव है और 14-inch का डिस्प्ले है, जो कि आपको मिलता है DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। जो इसका भैया कॉस्ट रहेगा वो 23,500 तक कॉस्ट रहेगा, ये लेनोवो का लैपटॉप जो कि अच्छा खासा एंट्री लेवल लैपटॉप गिना जाता है। और भैया अभी जो कि आजकल बहुत अच्छा डिमांड में लैपटॉप चल रहा है, ये भैया डेल का है 3501, जो कि वेरिएंट सिल्वर कलर में, जो कि डेल में एक अच्छा लैपटॉप गिना जाता है। इसमें आप इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें भैया i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर है, और इसमें आपको दो वेरियंट आता है, एक जो की 4GB रैम, 1TB हार्ड ड्राइव प्लस 256GB SSD और 15.6 विंडोज के साथ, जिसकी कॉस्ट रहती है भैया 54,000। एक और इससे नेक्स्ट मॉडल आता है, उसमें आपको भैया मिलता है 8GB रैम और 1TB हार्ड ड्राइव प्लस 256GB SSD प्लस 2GB NVIDIA का डेडिकेट ग्राफिक कार्ड और विंडोज 10, जो कि उसकी कॉस्ट रहती है भैया 58,500 की, जिसमें आपको NVIDIA डेडिकेट मिल जाता है और सिल्वर कलर, बहुत ही शानदार लैपटॉप है ये भैया। ओके, और जो एक नेक्स्ट है अपना जो कि ASUS का ये लैपटॉप है, इसमें जो कि आपको प्रोसेसर मिल जाता है भैया i3 10th जनरेशन और 11th दोनों अवेलेबल है। इसमें आपको एक तो 14-inch भी मिलता है, 15.6 जो कि अपने पास ये बॉक्स पीस अवेलेबल है वो 14-inch का है i3 का। इसमें आपको 10th जनरेशन का प्रोसेसर है भैया, और इसमें आपको 4GB की रैम है और 1TB की हार्ड ड्राइव है, और इसमें आपको 14-inch का डिस्प्ले है और विंडोज 10 है, जो कि इसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है वो अराउंड 31,500, जो कि एक i3 में कम से कम अच्छा लैपटॉप गिना जाता है। और इसमें आप अगर फ्यूचर में चाहते हो तो SSD ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये लैपटॉप से आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लैपटॉप जो कि ASUS का। और एक और अपना पास जो लैपटॉप है वो HP का लैपटॉप है, जो कि एक सेम अपना जो पवेलियन दिखाया था, इससे जो नेक्स्ट मॉडल है, इसमें आपको क्या है कि एक NVIDIA ग्राफिक कार्ड डेडिकेट है। इसमें आपको एक्चुअली पवेलियन सीरीज में टोटल 3 मॉडल आते हैं, जो कि एक मैंने पहले दिखाया था वो 16GB का रैम के साथ, आपको मैंने 59,000 कॉस्ट बोला था, और एक ये मॉडल है इसमें आपको विद NVIDIA एक्स्ट्रा है, इसका भैया जो कॉस्ट रहने वाला है वो 65,000 है। और जो भैया एक और बात है वो एक इससे भी आपको नेक्स्ट मॉडल आता है, उसमें i7 मिलता है, उसमें आपको उसमें क्या है कि आपको एक 16GB रैम के साथ एक जो जिसमें ये दोनों में 512 SSD, उसमें आपको 1TB मिलती है वो भी 14-inch डिस्प्ले के साथ और विंडोज 10 और आईरिक्स का ग्राफिक कार्ड। उसका भी कुछ कॉस्ट पड़ने वाला अपना 76,000, जो कि HP का पवेलियन बहुत ही अच्छा लैपटॉप गिना जाता है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आपने 20,000 से लेके 75,000 तक सारे लैपटॉप्स जो दिखा दिए, बजट लैपटॉप्स हो गए, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप्स हो गए, आपने सारे दिखा दिए। तो सर का जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइस, सो डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम। और ये था पूरा वीडियो बजट लैपटॉप्स के ऊपर, आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। एनी टाइम यहाँ पे अवेलेबल ही रहते हैं, कॉल करते हैं आप गोविंद भाई को पूछ सकते हैं, अगर गोविंद भाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप सुशील भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि सुशील भाई लगभग 365 days ऑन ड्यूटी में रहते हैं, लगभग कभी कभार छुट्टी मारे तो बात अलग है, नहीं तो अवेलेबल रहते हैं हमारे सुशील भाई, जिससे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन है तो सुशील भाई से भी आप ले सकते हो। ओके, तो सर मैंने आपके दोनों का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये था पूरा वीडियो, आई होप को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल ऑफ यू।